अपना नेता माननीय चिराग पासवान जी को मानते हैं और पशुपति कुमार पारस जी चिराग पासवान जी को पीठ में खंजर भोंकने का काम किए हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्य है। आप देख रहे हैं आवाज 85 अमित कुमार के साथ। रोहतास के सासाराम में लोजपा नेताओं ने पशुपति पारस सहित 5 सांसदों का पुतला फूका है और चिराग के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। खबर रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के करहगर से आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे उथल पुथल के बीच लोजपा कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के समर्थन में सड़क पर उतर कर सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, चंदन सिंह, महबूब अली कौशल एवं वीणा देवी का पुतला फूका है। साथ में जमकर नारेबाजी भी की है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता कृष्णा पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने करहगर में पशुपति पारस पर पार्टी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया तथा कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के अभी कुछ महीना ही बीते हैं और जिस तरह से उनके पुत्र चिराग पासवान के पीठ में उनके ही परिवार के लोगों ने खंजर भोंकने का काम किया है, यह काफ़ी मर्माहत करने वाला है। रामविलास पासवान के विरासत पर कब्जा करने की अनैतिक कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोहतास जिला के लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ खड़ी है और चिराग पासवान को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले लोजपा के वैसे सांसदों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी आप लोग पुतला दहन किए, क्या क्या मकसद है पुतला दहन करने का? पुतला दहन करने का हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग को पार्टी को पशुपति का पारस ने तोड़ने का काम किया है, जो माननीय चिराग पासवान जी को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। और जिस व्यक्ति को पूरे बिहार के भूगोल के बारे में जानकारी नहीं है, पटना छोड़कर कहीं जिला में घूमने का काम नहीं किए हैं, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम पार्टी चलाएंगे। हम लोग पूरे हमारा समाज, हम पासवान जाति से आते हैं, मेरा नाम कृष्णा पासवान हुआ, मैं यहाँ लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष हैं करहगर के। पूरे बिहार के पासवान समाज परम आदरणीय रामविलास पासवान जी को नेता मानती थी और परम रामविलास पासवान के नहीं रहने के मतलब कारण अब हम लोग अपना नेता परम आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने ही रीजन में अपना विरासत अपने सपुत्र चिराग पासवान जी को सौंप कर एक दुनिया से चले गए और हम लोग अपना नेता माननीय चिराग पासवान जी को मानते हैं और पशुपति कुमार पारस जी चिराग पासवान जी को पीठ में खंजर भोंकने का काम किए हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग इसीलिए हम लोग पांचों सांसद के विरोध में आज उसका पुतला दहन करने का काम किए करहगर प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर। और हम लोग जब तक से पशुपति कुमार पारस जी अगर होश में नहीं आएंगे और अपना कहता कहला जिस तरह से पार्टी तोड़कर पांचों सांसद को लेकर भागे हैं और पांचों सांसद को पुनः लेकर पार्टी में नहीं जब तक से लौटेंगे, तब तक से हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और माननीय चिराग पासवान जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। चाहे चिराग पासवान जी के लिए अगर हम लोग को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी पर पूरे अधिकार माननीय चिराग पासवान जी का है, ये नहीं कि पशुपति कुमार पारस जी का। पांच सांसद मिलकर पशुपति कुमार पारस जी को जो अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हैं वो सरे सर
संविधान का विरोध है, जो लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहती है कि दो परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीच में कहीं निधन हो जाए, या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपने इच्छा से अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव किया जा सकता है, नहीं तो सर बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, जो चिराग पासवान जी हैं। और पूरे दिलीगत मेंबर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद और विधायक नहीं बनाते हैं, एक कार्य समिति और दिलीगत मेंबर और पूरे स्टेट के मतलब पूरे भारत के जितने हमारे राज्य हैं उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माननीय सहयोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो एक नियम का विरोध है। जो पारा जी जो अध्यक्ष का चुनाव पारा जी का जो चुनाव किया गया है वो सरेसर नियम का विरोध है। संविधान लोक जनशक्ति देश का संविधान नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान एक कहती है कि जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं का दिक्कत पवन उन्हीं के पास होता है बैठक बुलाने का। इसलिए पारा जी जो चिराग जी संघ थे नया इंसाफी किए हैं, इसलिए हम चिराग जी के समर्थन में मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं और पशुपति कुमार पारा जी को हम लोग इसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं।